वेलकम इन्वेस्टर्स, अनविल स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 8 नवंबर 2020 और आज हम बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल्स, क्वार्टरली रिजल्ट और एक्सपर्ट का ओवरव्यू लेने वाले हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का जो मार्केट कैपिटल है 28,089 करोड़ का है और उसके अगेंस्ट अगर हम डेप्थ देखेंगे तो 887। कंपनी का कोई भी स्टॉक गिरवी नहीं रखा है और डेप्थ टू इक्विटी अगर देखें तो 0.16। स्टॉक का पी रेशो 29.2 और आरओई है 17.1। अब चलते हैं हम और देखते हैं स्टॉक के सेल्स को 2017 से। 2017 में 3,723 के जो नंबर्स थे वो ईयर बाय ईयर अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं और 5,049 तक पहुंच चुके हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो इसमें स्लो है लेकिन ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। 1,131 से ये नंबर इंक्रीज होकर 1,511 तक पहुंच चुके हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो 30% से अभी भी एक इंटैक्ट है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 717 से इंक्रीज होकर 961 तक आ चुका है। अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करेंगे 37.8 से इंक्रीज होकर 49.72 तक ये हमको दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। सितंबर 2020 के एक दो दिन पहले क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं और अगर हम प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो जहां सितंबर 2019 में 1084 के जो सेल्स के नंबर थे वो ग्रोथ कर चुके हैं, 1578 आ चुका है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर 273 का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो एकदम 540 हो चुका है और अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करेंगे तो एक्सपेक्टेड था 13.47 लेकिन यहां पर कंपनी ने रिपोर्ट किया है 17.56। सरप्राइजिंगली 30.40% का ग्रोथ हमें क्वार्टर टू के अर्निंग पर शेयर में देखने को मिल रहा है। यहां पर अगर हम देखेंगे रेवेन्यू को तो वो एक्सपेक्टेड था 12.91 बी लेकिन कंपनी ने रिपोर्ट किया है 15.79 बी, तो यहां पर भी सरप्राइजिंगली 22.25 का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 25% था सितंबर 2019 में वो सितंबर 2020 में 34% हो चुका है। नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे 294 से ग्रोथ कर गया है 341 और जैसे हम ईपीएस की बात कर रहे थे 15.22 से इंक्रीज होकर 17.64 तक आ चुका है। अब देखते हैं हम एक्सपर्ट ओवरव्यू। अगर हम देखेंगे जो अभी का प्राइस है 1453 का, ये प्राइस बहुत ज्यादा है इंस्ट्रिक्ट वैल्यू से। अभी भी ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न नहीं देता है लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे एफडी रेट के साथ में तो स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करता है। इतना ही नहीं, हम देखेंगे इसका ये अभी भी और ब्रॉड जोन में नहीं है और किसी भी प्रकार का जो रेड जोन रेड फ्लैग है वो हमें स्टॉक पे देखने को नहीं मिल रहा है। एक नजर अगर एक्सपर्ट एनालिसिस के तरफ यहां पर डालेंगे तो यहां देखिए अभी भी एक्सपर्ट एनालिसिस सजेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को 52% इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को बाय करने के लिए इंटरेस्टेड है। ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न है, अभी भी अपने हाई प्राइस पे ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब चलेंगे हम और देखेंगे होल्डिंग्स पैटर्न्स, क्या कुछ होल्डिंग्स पैटर्न्स पे इंक्रीज और डिक्रीज देखने को मिल रहा है। अगर हम टोटल प्रमोटर होल्डिंग की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर 58.29 और म्यूचुअल फंड होल्डिंग ने जहां पर 18.96% का जो स्टेक है ये होल्ड किया हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो इस क्वार्टर में हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की, जिनके पास 18.97% का स्टेक है। इनके भी अगर हम प्रीवियस क्वार्टर के साथ में अगर हम कंपेयर करेंगे तो लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में इनके होल्डिंग्स में हमको गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की, जिनके पास 11.52% का स्टेक है। इन्होंने प्रीवियस क्वार्टर से डायरेक्टली अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ा दिया है स्टॉक में। 11.52% का जो ग्रोथ है, जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें देखने को मिल रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स में।
अब बात करेंगे अदर पार्टीज की। अदर पार्टीज यानी रिटेल इन्वेस्टर भी इनमें इंक्लूडेड होते हैं, जिन्होंने 11.21% का जो स्टेक है ये होल्ड किया हुआ है प्रीवियस क्वार्टर्स के कंपेयर। इस क्वार्टर में इनके भी होल्डिंग्स में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का एक एक्सपर्ट एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और क्वार्टरली रिजल्ट का रिव्यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।